गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हेल्थिंग स्पेशल। दोस्तों आज हम करेंगे नोवा एनएचटी 1047 ट्रिमर के दोस्तों एक बार फिर से रिव्यू वीडियो करेंगे आज हम। और आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि मेरा 3 महीने का नोवा के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, और दोस्तों मैं आगे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नोवा का बॉक्स, ऐसा बॉक्स मिलता है। मैं इसके फटाफट से एक बार अनबॉक्सिंग फिर से कर देता हूँ। दोस्तों ये हमारा नोवा का ट्रिमर, इसका जो मॉडल नंबर वो है NHT 1047। 3 महीने हो चुके हैं मुझे लगे हुए, काफ़ी अच्छा चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, कोई भी अभी तक इससे दिक्कत नहीं आई है। इसके अंदर डलती है 600 mAh की 1.2 वोल्ट की एक बैटरी, चाइनीज़ बैटरी है ये वाली, पर फिर भी ये अभी तक अच्छी चल रही है। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का बटन है, और यहाँ पर इसका जो है चार्जिंग का, यहाँ पर लाइट जलती है जिससे हमें इंडिकेट हो जाता है कि ये चार्जिंग है। ये इसका चार्जिंग पोर्ट है, ये देखिए चार्जिंग पोर्ट है इसका। बाकी आगे इसके ब्लेड्स वगैरह हैं, ये देखिए। अभी तक ब्लेड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे, ये देखिए ये ऐसे खुल जाता है, ये देखिए मोटर, ये वापस ऐसे करके वापस डल गया, ये देखिए। इसके बाद ये वाला हमें वायर मिलती है चार्जिंग के लिए, कुछ इस तरह की मिलती है वायर हमें, ये देखिए ऐसे कीजिए और यहाँ पर ये चार्ज हो जाएगा। इसको चार्ज करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे अगर आपको इसको फुल चार्ज करना है, और जब भी आप इसको फर्स्ट टाइम लेंगे तो आपने कम से कम इसको 8 से 9 घंटे तक चार्ज करना है। आप इसको रात को लगा दीजिए चार्जिंग के लिए, और जितनी हो सकते उतनी चार्जिंग कीजिए 8 से 9 घंटे, उसके बाद सुबह निकाल लीजिए। साथ में मिलते हैं ये वाला ऑयल, लुब्रिकेंट के तौर पे इसको हम यूज़ करते हैं। आगे जो ब्लेड्स होते हैं उसके ऊपर हम ये डाल सकते हैं ताकि वो शार्प रहें और आपको कोई भी कट्स वगैरह ना लगे, या फिर आपका कोई बाल वगैरह ना बीच में ब्लेड्स के बीच में फंस जाए, तो ऐसी दिक्कत आपको ना आए, तो इसलिए ऑयल होता है। साथ में हमें मिलते हैं 2 क्लिप्स, 9mm और 6mm। साथ में मिलता है एक नोवा का परफ्यूम, ये दोस्तों कोई भी आफ्टर शेव या कोई भी और लोशन नहीं है, ये नोवा का परफ्यूम है। इसको प्लीज़ आप आफ्टर शेव की तरह ना करिए यूज़। कमेंट में एक पर्सन ने मेरे कमेंट किया था कि ये आफ्टर शेव है, ये आफ्टर शेव नहीं है दोस्तों, ये एक परफ्यूम ही है। ये मैनुअल था कम वारंटी कार्ड, इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ। सीजर दी थी, अभी तक मैंने इसको खोला भी नहीं, सीजर बहुत चीप क्वालिटी का सीजर था ये वाला। एक कॉम मिली है साथ में, नॉर्मल कॉम है, अभी तक मैंने यूज़ भी नहीं की इसको। बस ये सारी हमें एक्सेसरी साथ में मिलती है, एक छोटा सा ये ब्रश मिलता है, आप इसको यूज़ करने के बाद, ट्रिमिंग करने के बाद में एक बार इसको यूज़ कर लीजिए, ताकि जो बाल वगैरह बीच में फंस जाते हैं ट्रिमर के या ब्लेड्स के बीच में वो हट जाएँ, ताकि आप जब भी अगली बार कीजिए करिए तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। इसका दोस्तों ब्लेड है वो 0.25 mm तक आपकी ब्लेड है वो ट्रिम कर सकता है, 0.25 इसके इनके ब्लेड्स की वजह से आपको बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये देखिए ये बीच में ब्लेड्स हैं, ये वाली ये 0.25 mm का ये वाला गैप कवर करते हैं, बाकी आपको करीब 0 के करीब ही आपको जो है वो आपकी ब्लेड ट्रिम हो जाएगी। मैंने ये ट्रिमर ब्लू कलर में ऑर्डर किया था, मैं ब्लू काफ़ी अच्छा लगा, अट्रैक्टिंग लगा, तो मैंने ब्लू में ऑर्डर किया, लेकिन आप और भी कलर इसको ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप खरीद सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑरेंज है, ये वाला ब्लू में ये मेरा कलर है, ये रेड है, ये वाइट, ग्रीन एंड ब्लैक, इसमें आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये ब्लू किया, मेरे को ये अच्छा लगा, और आपको इसमें बताना चाहूँगा आप डिफरेंट टाइप के जो है डिफरेंट टाइप्स के बियर्ड जो है आप इसमें ट्रिम कर सकते हैं,
कोई भी आपने स्टाइल चुनना है, आपने गोटी चूज़ करना है, आपने फ्रेंच कट करना है, या आपने फुल बियर्ड रखनी है, या फिर आपने कोई और स्टाइल रखना है, किंगस्टन रखना है, बहुत सारे स्टाइल्स आप इसे ट्रिम कर सकते हैं। मेरा 3 महीने का नोवा के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहा है। इसके जो ट्रिमिंग है वो काफ़ी लाजवाब है, मुझे कोई बीच में दिक्कत नहीं आई। मैं इसको हर हफ्ते मैं इसमें ऑयल डालता था, ये ख़त्म हो गया। आप कोई भी और मशीन ऑयल या फिर आप कोई और जो पेट्रोल वगैरह है वो भी आप डाल सकते हैं, उसे आप साफ़ कर सकते हैं अपने ब्लेड्स। वैसे आपको मैं प्रिस्क्राइब यही करूँगा कि आप मशीन ऑयल डालिए। 3 महीने हो गए हैं ट्रिमर को, कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है, परफेक्टली चल रहा है। मैं इसको 3 से 4 घंटे के बीच में इसको चार्जिंग लगा देता हूँ, उसको निकालता हूँ, उसके बाद मैं आराम से 30 मिनट का बैकअप, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं 30 मिनट का बैकअप आराम से ले पाता हूँ। इसी के साथ दोस्तों मैं ऊपर एक पोल रखूँगा, नोटिफिकेशन बार में आपके ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप येस या नो में आंसर दीजिएगा कि आप सजेस्ट करेंगे नोवा ट्रिमर को। अगर आप एक यूज़र हैं तो आप प्लीज़ वहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि कैसा प्रोडक्ट है, ये अच्छा प्रोडक्ट है या फिर एवरेज प्रोडक्ट है या फिर एक्सलेंट प्रोडक्ट है। ये ट्रिमर जो है मैंने सिर्फ 340 में लिया है, जी हाँ, सिर्फ 340 में मैंने ट्रिमर लिया है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ट्रिमर है, काफ़ी आप देखेंगे कि और भी लोगों ने लिया, उनके कमेंट्स देखिए, काफ़ी सारे आपको पॉजिटिव मिलेंगे, काफ़ी सारे आपको नेगेटिव मिलेंगे। ये नहीं है कि ये चाइनीज़ है ट्रिमर तो ये ख़राब हो जाएगा एक आधे महीने बाद। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, आराम से मैं इसको इसके साथ ट्रिमिंग कर सकता हूँ। और इसमें जो बैटरी है वो भी रिमूवेबल है, आप कोई भी एवरेडी या फिर कोई आपकी पैनासोनिक की बैटरी है वो भी आप बीच में डाल सकते हैं, जरूरी आप ये बैटरी डालिए। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। कुछ कुछ ट्रिमर होते हैं जिसमें इनबिल्ट बैटरी होती है और उसमें सिर्फ चार्ज कर सकते हैं हम और बैटरी नहीं निकाल सकते, लेकिन इसमें हम निकाल सकते हैं। और इसमें साथ में 2 क्लिप्स मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक तो साथ में इसका खुद ब्लेड है, यहाँ पर 0.25 आपको मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है 9 मिलीमीटर का एक क्लिप, 6 मिलीमीटर का मिलता है, जिसे आप दोनों जो है साइजेस में अपनी बियर्ड ट्रिम कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी बात है, ये आप कोई भी स्टाइलिश में रख सकते हैं। बाकी ये सारी एक्सेसरी हैं इसकी। तो दोस्तों ये था मेरा 3 मंथ्स का नोवा NHT 1047 के साथ अपना एक्सपीरियंस मैंने आज शेयर किया है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछिएगा, मैं उसके डेफिनेटली आंसर दूंगा। आपने कई बार क्वेश्चंस किए हैं, मैं उसके आंसर हर बार देखता हूँ, आप देख सकते हैं उसमें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं आगे और वीडियोस डालता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ डालता रहूँगा।